हेलो गाइस, वेलकम टू एविस ब्लॉग। सो मैं और एक वीडियो लेके आपके लिए आ गया। सो ये वीडियो का बेसब्री से सबके लिए बहुत ही इंतज़ार कर रहे थे आप लोग, मतलब जो सैलरीड पर्सन है, जो मतलब जिनको मंथली बेसिस में एक पर्टिकुलर डेज में सैलरी आता है या बिजनेस इनकम आता है, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे बिजनेस इनकम आता है, तो वो लोगों के लिए एक बढ़िया सा वीडियो बहुत दिन से सभी लोग मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे। तो वो वीडियो है सर, हम लोग तो इनकम करते हैं एंड वो कहाँ पे डालने से हम लोग एक लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। पहले तो मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ म्यूचुअल फंड, बट म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर रहता है एंड म्यूचुअल फंड में कुछ एक्सपेंस रेशियोज वगैरह या दूसरा कुछ चार्जेस वगैरह लगता है, तो एग्जैक्टली जितना आपको रिटर्न मिलता है उनमें से थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि फंड मैनेजर एंड एक्सपेंस रेशियो में वो चार्जेस चला जाता है। तो बेस्ट है आप कोई डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स उसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट होगा। तो कौन सा स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं एक बार पिछले वीडियो आपको बना के दिया था, उनमें से मैं बोला था इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करके, मतलब जिसको कुछ पता नहीं है, जो लेमैन है, जिसको स्टॉक मार्केट में कोई नॉलेज नहीं है, तो वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। क्योंकि जो निफ्टी इंडेक्स देख रहे हैं, जो सेंसेक्स इंडेक्स देख रहे हैं, जब से शुरू हुआ है 20-30 साल पहले, तो उससे आप देखेंगे तो आज तक वो एक ग्रोथ 15-17% देता है। तो वो भी नहीं पकड़ रहा हूँ, 12% का भी ग्रोथ देता है। तो आप ओनली 5,000 रुपीज करके इन्वेस्ट करके 25-30 ईयर्स में एक बढ़िया सा रकम जनरेट कर सकते हैं, अराउंड 4-5 CR। यस, आई एम नॉट जोकिंग। सो जो ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आप लोगों को नॉलेज नहीं है, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप लोग पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहते हो, आप पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हो, तो डायरेक्ट हम लोग का जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे फ़ोन करके आप पोर्टफोलियो बनवा सकते हो। मतलब आपका कोई भी गोल हो सकता है, 1 CR, 2 CR, 5 CR, 10 CR, 20 CR, 50 CR, 100 CR, जो भी आपका गोल है, तो हम लोग उस गोल के हिसाब से हम लोग पोर्टफोलियो आपको बनाना पड़ेगा। जैसे उस पोर्टफोलियो में आपको डेली मीन्स एक रेगुलर इंटरवल पे आपको इन्वेस्टमेंट करते जाना है एंड लॉन्ग टर्म में वो आपको जरूर अचीव होकर जाएगा। तो यही था। एंड कौन सा स्टॉक में आप मंथली बेसिस में पैसा लगा सकते हो, तो आई वुड रिकमेंड डोंट गो फॉर एनी पेनी स्टॉक। ये सुन लीजिए, बार बार मैं नहीं बोलूँगा। पेनी स्टॉक में क्या होता है, पेनी स्टॉक इज लाइक जुआ, ठीक है। मतलब आप पैसा लगाए, कल बढ़ गया, 15 टाइम्स हो गया, नेक्स्ट दिन पूरा जीरो भी हो सकते हैं। सो डोंट इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक, इन्वेस्ट इन कॉफी कैन मेथड, ठीक है। कॉफी कैन मेथड के बारे में शायद मैंने वीडियो बना दिया, वीडियो नहीं बनाया तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के ऊपर, एंड वो मेथड फॉलो करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड ऑलवेज गो फॉर ब्लू चिप कंपनीज, मतलब आपका जो रेशियो होना है वो लार्ज कैप कंपनीज में आपको डालना है 50% पैसा, एंड आपको स्मॉल कैप में डालना है 20% पैसा, एंड 30% मनी शुड गो टू द मिड कैप, ओके। एंड कौन सा आप स्टॉक्स ले सकते हो, तो मैं पहले बोलना चाहता हूँ HDFC बैंक, इट्स ए ग्रोइंग स्टॉक। सेकंड हो गया आपका IRCTC, थर्ड हो गया हैप्पीएस्ट माइंड, फोर्थ हो गया आपका ITC, डिविडेंड के लिए बहुत ही अच्छा है, फिफ्थ हो गया आपका एशियन पेंट्स, सिक्स्थ हो गया आपका आप केमिकल सेक्टर दीपक नाइट्रेट में लगा सकते हो, सेवन्थ हो गया आपका मार्क्सन फार्मा, एट हो गया आपका आप इसमें HCL में लगा सकते हो, नाइन हो गया आपका नाइन आप डीमार्ट में लगा सकते हो। सो दीज आर द डीमार्ट और लाइक बजाज फाइनेंस में आप लगा सकते हो, दीज आर द ग्रोइंग कंपनीज। तो आप लोग एक चीज़ समझ में लीजिए, मतलब जो ऑलरेडी बड़ा हाथी हो गया, मतलब जो ऑलरेडी जायंट हो गया, उसमें आपका पैसा सेफ रहेगा, बट ग्रोथ मैक्सिमम करेगा
मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनीज, बट उनको एनालिसिस कैसे करेगी, ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ होता है, मतलब ये सभी नहीं कर पाता है। तो मेरे मानना है मतलब आप मैक्सिमम लार्ज कैप में खेलिए, पैसा सिक्योर रहेगा, लॉन्ग टर्म में आपको लूज़ होने का कोई चांसेस ही नहीं है, आपको 15-20% का एक स्टैंडर्ड रिटर्न मिल जाएगा। तो आप थोड़ा छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मतलब 500 हज़ार या 5 हज़ार 10 हज़ार से स्टार्टिंग कर सकते हो। मतलब ऐसा मत बोलिए मेरा सैलरी कम है, 10 हज़ार है, 20 हज़ार है, कम है, तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। सो ऑलवेज ये रूल फॉलो कीजिए, इन्वेस्ट योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब जब भी आपको बैंक में पैसा आता है मंथली बेसिस पे, पहली पेमेंट आप खुद को कीजिए, खुद का इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसके बाद आप खर्चा कीजिए, ये प्रिंसिपल आप याद रखना, ठीक है। तो ये था आपको क्या क्या स्टॉक में आप पैसा लगा सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, ये आप फॉलो कर सकते हो मंथली बेसिस में हो या क्वार्टरली बेसिस में हो। तो इंडिया का जो बड़ा जो स्टॉक ब्रोकर है, तो उसका लिंक मैं मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप अकाउंट खुलवा सकते हो। जिन लोगों के, बहुत सारा लोगों के पास अकाउंट नहीं होता है, तो वो लोग जाके अकाउंट खुलवा सकते हो, ये फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप स्टॉक्स में आप खुलवा सकते हो, एंजल वन में आप खुलवा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड ट्रेडिंग भी कर सकते हो। आपको ट्रेडिंग के बारे में मैं भी उतना सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन ट्रेडिंग, आई बिलीव इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म में कोई ग्रोथ नहीं चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप कोई शॉर्टकट फॉलो करेंगे तो आपको गिरने का चांस ज़्यादा है। आप लॉन्ग टर्म फॉलो कीजिए तो वो स्टेबल ग्रोथ रहेगा आपका। ओके, सो बहुत मैं बोल दिया, तो एविस ब्लॉग साइनिंग ऑफ, हैव अ ग्रेट डे, बाय।